दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ग्रो एप्लीकेशन में मनी ऐड कैसे करें, ग्रो एप्लीकेशन में पैसा ऐड कैसे करें। सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या उसके लिए आपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल की होम स्क्रीन से, ठीक है, और इसका जो पिन होता है वो डाल के इसे ओपन कर लीजिए। मैंने पहले से डाल रखा है। जहाँ आपको राइट साइड प्रोफाइल का आइकन मिलता है इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा जहाँ देखिए ऐड मनी लिखा हुआ है। ऐड मनी पे क्लिक कीजिए। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने कितना पैसा ऐड करना है वो अमाउंट डाल दीजिए। या मैं 500 रुपया ऐड करके देखूँगा ऐड होगा या नहीं। उसके बाद जहाँ ऐड मनी नीचे लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मैं न्यू UPI ID इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ हमने अपनी UPI ID डाल देनी है आपने, ठीक है, डालने के बाद फिर से ऐड मनी पे क्लिक कर देना है, क्योंकि जहाँ मैं UPI के थ्रू पैसा ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अगर नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो जो नीचे देखिए बैंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। जहाँ पे मैं UPI से पेमेंट करने वाला हूँ इसलिए जहाँ मैं अपनी UPI ID डाल के ऐड पे क्लिक कर दूंगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद जहाँ देखिए कुछ इस तरह का पेज आएगा और जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अपनी UPI एप्लीकेशन को ओपन करके वहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट करनी होगी। उसके लिए जहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ HDFC बैंक की, जहाँ UPI पेमेंट है इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट को जहाँ मैं इसे एक्सेप्ट कर दूँगा, मतलब पे कर दूँगा 500 रुपया अपनी UPI एप्लीकेशन से। और उसके बाद जहाँ मैं ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके देखता हूँ कि पेमेंट हुई है या नहीं। यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ ग्रो एप्लीकेशन में। फिर से प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए बैलेंस मेरा 500 रुपया यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आप भी मनी ऐड कर